अस्सलामु अलैकुम, आई एम फरहान मीर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शरिया वेल्थ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में जो रीसेंट करेक्शन आई है उसके रीजंस क्या हैं और क्या ये करेक्शन बहुत बड़े क्रैश में ट्रिगर हो सकती है। तो उसका एनालिसिस करके ये देखेंगे कि मीडियम से लॉन्ग टर्म में इस मार्केट का आउटलुक क्या लगता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म की बात भी करेंगे, उसके लिए हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे, ग्लोबल इंडाइसेस देखेंगे, रुपी, डॉलर, क्रूड ऑयल, ये सब एनालिसिस करके बहुत शॉर्ट टर्म में मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, ये कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले अगर मैं लॉन्ग टर्म की मार्केट में बात करूं तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, अगर आप कहीं पे भी ड्राइव कर रहे हैं, कार लेके अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, अगर आपकी लंबी जर्नी बहुत ज्यादा लंबी है तो आप क्या करते हैं, इन बिटवीन आप ब्रेक लेते हैं, मे बी ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, या फिर अगर आपको कोई हाजत आ जाती है तो आप इन बिटवीन पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, कुछ नाश्ता पानी करते हैं, नई एनर्जी लेते हैं और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। मार्केट में भी दोस्तों यही नियम होता है। जब आप बहुत ज्यादा चल चुके हैं, पिछले 3-4 महीनों में अगर आप देखोगे मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट आ चुकी है, ऑब्वियस ही बात है उस मूवमेंट के बाद एक ब्रेक जरूरी था जो मार्केट यहाँ पे ले रही है। ब्रेक लेने के बाद, थोड़ा सा आराम करने के बाद, जब मार्केट यहां से निकलेगी, नई एनर्जी के साथ निकलेगी और लाइफ टाइम हाई को पार कर देगी। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करेंगे या मीडियम टर्म में बात करेंगे तो मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको कहीं पे जाना है, अगर आप ब्रेक लेते हैं तो उसका कोई तो रीजन होता है, ऐसे ही थोड़ी ना रुक जाएंगे आप, मे बी आपको ब्रेकफास्ट करना है। सेम स्टोरी मार्केट में भी है। अब जब मार्केट रुकी है तो ऑब्वियस ही बात है कोई ना कोई तो उसका रीजन होगा, रुकना तो था दोस्तों, इतना लंबा चलने के बाद मार्केट ने ब्रेक तो लेना ही था, और जब लेना है तो रीजन भी है, रीजन है तो हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो वो क्या रीजन है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन मार्केट का अगर आप आउटलुक देखोगे ना, बहुत ही सॉलिड आउटलुक है। तो हमारे यहाँ पे एज सच कोई बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट जो रुकी हुई है उसका जो सबसे पहला जो रीजन है वो है फेड की जो कमेंट्री है या फेड की जो मीटिंग है। ऑब्वियस सी बात है वेडनेसडे के दिन मीटिंग हुई थी, तो अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि इस मीटिंग की वजह से कुछ हुआ। ये जो हैंगओवर है फेड का, ये हमारे ऊपर हमेशा से बना हुआ है। तो डिटेल में समझेंगे कि फेड की स्टोरी क्या है। वेडनेसडे के दिन फेड ने क्या किया, जो इंटरेस्ट रेट थे उसको अनचेंज रखा, मतलब उसको नहीं बदला। और अभी जो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.25% है। तो यूएस की जो इंटरेस्ट रेट है फिलहाल एज ऑफ नाउ 5.5% है। यूएस में दोस्तों हो क्या रहा आपको ये समझना है, यूएस में ना इन्फ्लेशन बहुत बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती हुई इन्फ्लेशन अगर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूएस क्या कर रहा है, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोगों की ना खर्च करने की ताकत कम हो जाती है, क्योंकि जो भी लोगों को लेना होता है, लोन लेते हैं, मान लेते हैं लोन लेते हैं, अगर उसकी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाती है, कोई इंसान अगर लोन लेके घर लेता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो क्या होता है, वो अपने आप को पोस्टपोन कर देता है, और जैसे ही पोस्टपोन करता है घर होता है उसकी बिक्री कम हो जाती है, मतलब डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड जैसे कम हो जाती है महंगाई कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशन को मारने के लिए यूएस फेड ने क्या सोचा कि भाई एक ही हमारे पास ऑप्शन है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है। इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे तब महंगाई कम हो जाएगी। अब इनका ऐसा मानना है कि जो महंगाई है इसको हम लोग लाएंगे 2% तक। तो 2% लाने के चक्कर में लोग इन्फ्लेशन बढ़ाए जा रहे हैं। तो मतलब बेसिकली आप समझ रहे हो कि यूएस ने जो गलती की 2020 के बाद, जो नोट छापने की गलती की, जो हमने नहीं की, हमने बहुत स्मार्टली प्ले किया, उसको कंट्रोल करने के लिए उनके पास एक ही बचा है कि खुद की ग्रोथ को मार दे। मतलब ये बेसिकली दोधारी तलवार बन चुका है उनके लिए, मतलब वो खुद के ग्रोथ को मारना चाह रहे हैं, खुद ही रिसेशन में आना चाह रहे हैं, ठीक है, बट आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट उनकी कम हो नहीं पा रही है। वो ये चाह रहे हैं कि इसको बड़ा बड़ा के हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करें। अब प्रॉब्लम क्या है, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। अब इसका मार्केट पे कैसा असर पड़ता है ये आप समझिए। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, ऑब्वियस ही बात है बैंक के भी रेट्स बढ़ जाते हैं, तो जो लोग एफडी वगैरह करते हैं उनको हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब जो दूसरा जो रीजन है मार्केट में जो सेलिंग का, वो है एफआईएस की सेलिंग। अब एफआईएस आप समझिए क्यों सेल कर रहे हैं इस मार्केट में। ऑब्वियस ही बात है अगर उनको 5.5% का इंटरेस्ट रेट अपने बैंकों में मिल रहा है यूएस वालों को, प्लस अगर आप देखोगे तो इंडियन रूपी हर साल में 2-3% डिप्रिशिएट तो हो ही जाता है, तो ये 5% प्लस 2-3% अगर इतना सेफ रिटर्न उनको अपने मार्केट में मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे, ऑब्वियस ही बात है यहां से पैसा निकालेंगे और अपने बैंकों में डिपॉजिट करेंगे। सो दिस इज द रीजन कि एफआईएस कंटिन्यूअसली इस मार्केट में सेल करते जा रहे हैं। तीसरा रीजन जो है ना वो बन रहा है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे ना तो ये जो प्राइस है ये बढ़ के ऑलमोस्ट 92 के आसपास आ चुका है।
ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने लिए मार्केट में करेक्शन के लिए, क्योंकि देखिए वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल। हम लोग ना बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, तो जब भी हम इंपोर्ट करते हैं हमारी जो करेंसी है ना वो बाहर जाती है, और जैसे ही हमारी करेंसी बाहर जाती है ना हमारी करेंसी वीक हो जाती है। तो बेसिकली अगर समझिए ना कि FIS का सीलिंग है, एक्चुअली सब रीजंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं अगर $1 की कीमत पहले चल के 75 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और अब अगर $1 की कीमत अगर बढ़ के 80 रुपीज हो जाती है, तो ऑब्वियस ही बात है इंडियन रुपी वीक हो गया। पहले $1 खरीदने के लिए हमको 75 रुपया देना पड़ता था, अब अगर $1 खरीदने के लिए हमको 80 रुपये देना पड़ रहा है। तो अब सीन क्या होता है आप समझिए, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ जाता है ना, तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो हमको ना पैसा बाहर जाता है, हमारा क्रूड ऑयल हम लेते हैं, पैसा जब बाहर जाता है ना तो इंडियन रुपी वीक हो जाता है। इंडियन रुपी वीक होता है मतलब 75 का 80 हो जाएगा। अब एक आप समझिए, एक गोरा इंसान है, एक FIS है, अब उसने समझिए इंडियन मार्केट में $1 लगाया हुआ है, और $1 में उसने कोई शेयर खरीद लिया 75 रुपए का, ठीक है, $1 में अगर उसने कोई शेयर खरीद लिया 75 रुपए का, अब उस शेयर की कीमत मान लेते हैं 75 से बढ़ के 80 हो गई, तो आइडियली देखा जाए तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि जो शेयर उसने 75 में खरीदा था 80 हो गया। लेकिन सेम टाइम पे अगर डॉलर गिर के 80 हो जाता है, तो आप समझिए कि जब वो बाहर निकालेगा, प्राइस भले ही बढ़ के 75 की 80 हो गई, तो आइडियली तो उसको 5 रुपया प्रॉफिट हुआ, लेकिन सेम टाइम पे जो डॉलर था वो वीक होके 80 हो गया, डॉलर स्ट्रांग होके $1 का 80 हो गया। तो इसका मतलब है कि भले 5 रुपया उसका बढ़ गया हो, शेयर प्राइस बढ़ गया हो, लेकिन पहले जो $1 75 में था, अब $1 जो 80 में है, तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसके लिए जब भी रुपी वीक हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, अगर आपको नहीं समझा तो एक बार वापस से वीडियो को पॉज करके वापस से देख लो, शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो सिंपल बात है, अगर इंडियन रुपी वीक हो जाता है ना, तो इसके चक्कर में क्या होता है कि जो FIS है उनका ना मार्केट से मार्केट में बेनिफिट उनका कम हो जाता है। तो ये देखिए पूरे रीजन इंटरकनेक्टेड है, फेड की मीटिंग जो है उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो गोरो को वहां के FD में पैसा रखने में फायदा है। और प्रॉब्लम ये नहीं है, जो करेक्शन जो ट्रिगर हुई, ऑब्वियसली बात है देखो ये सडनली 5.5% तो हुआ नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहा है, तो ऐसा अचानक वेडनेसडे को कुछ नहीं हुआ कि मार्केट गिर गई, बट ये ओवरहैंग बना हुआ है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज रहेगी, बट प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई ना कि उन्होंने ऐसा कहा कि ये साल में एक और रेट हाइक हो सकता है, मे बी 0.25% का, प्लस नेक्स्ट एक साल तक मतलब सितंबर 2024 तक ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं होने वाली है। तो जब तक ये इंटरेस्ट रेट बढ़ती रहेगी ना, लोगों का स्टॉक मार्केट में पैसा कम लगता है, क्योंकि उनको सेम रिटर्न उनको सेम रिस्क फ्री रिटर्न FD वगैरह में मिल जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने वाली है, उसी की वजह से FIS पैसा निकाल रहे, क्योंकि उनके यहाँ पे FD उनमें पैसा अच्छा मिल रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ता जा रहा है, अब 92 पे आ गया, इनफैक्ट कुछ टाइम पहले तक तो 96 पे आया था। तो अब इंडिया के लिए क्या बेटर है, इंडिया के लिए देखो जो आइडियल सिचुएशन है क्रूड ऑयल की वो होती है 75 से 80 की रेंज। अगर क्रूड ऑयल ये रेंज में रहता है ना, तो आप समझिए कि दिस इज द आइडियल सिचुएशन, बिकॉज हमको बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है। क्रूड ऑयल अगर बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है इंडियन रूपी जो है ना वीक होता रहेगा, और जैसे ही इंडियन रूपी वीक होगा डॉलर की कीमत बढ़ती जाएगी, डॉलर इंडेक्स मजबूत होता रहेगा। इंडियन रूपी का अगर आप देखोगे तो डॉलर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है, तो अगर ऑब्वियस ही बात है अगर एक कंट्री की करेंसी कम होती है तो दूसरी कंट्री की करेंसी बढ़ जाती है, तो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना 104.5 के आसपास आ गया, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन ट्रिगर हो गई है। चार रीजन दोस्तों मैंने आपके सामने डिस्कस किया। द गुड थिंग अबाउट ऑल दीज फोर रीजंस आर, जो आपको समझना है वो ये है कि ये सब रीजंस दोस्तों टेम्परेरी हैं, ये सब दोस्तों रीजंस टेम्परेरी हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आज हम US 5.5% इंटरेस्ट रेट पे है, तो आप समझिए कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 2023 में ही रेट कट स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है पता है, डेटा ना अच्छा आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा आ रहा है, लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, महंगाई और बढ़ती जा रही है, तो मतलब नॉर्मल सिनारियो में ये चीज अच्छी होती है, बट फिलहाल सिचुएशन ऐसी बन गई है ना कि अच्छी चीज US को और तकलीफ दे रही है। बट आप समझिए एक लिमिट है ना, 5.5% तक तो US ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो एक लिमिट है ना, बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगा,
ऐसा तो नहीं होगा कि हर बस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हम ऐसा मान रहे थे कि 2023 में इंटरेस्ट रेट कम होना चालू होंगे, अब उनका ऐसा कहना है 2024 में होंगे। होने तो ही ना, इस इंटरेस्ट रेट पे यूएस इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती, तो कोई मसला नहीं है, आगे चल के ये इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। बाकी ये जितनी भी चीजें, ऑब्वियस ही बात है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो एफआईएस का पैसा वापस से इंडिया में आ जाएगा। आप समझिए, आना ही है, एफआईएस का पैसा इंडिया में आना ही है, क्योंकि एफआईएस किसको चेस करेंगे? सी अल्टीमेटली तो ये चीजें होती हैं शॉर्ट टर्म में, कि जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है वहां पे पैसा पार्क होता है, अल्टीमेटली तो ये होता है, ये शॉर्ट टर्म में होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप समझिए, एफडी के रिटर्न कभी भी स्टॉक मार्केट के रिटर्न को बीट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में एफडी के रिटर्न कभी भी स्टॉक मार्केट को रिटर्न को बीट नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म में भले ही लोग इससे बेनिफिट उठा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप समझिए कि ये पैसा घूम फिरा के वापस इंडियन मार्केट में आना ही है, क्योंकि हमारा ही तो एक देश ऐसा है जो ग्रोथ पाथ पे है, जो तरक्की कर रहा है। आज यूएस रिसेशन की बात करता था, अब तो उन्होंने खैर मना कर दिया, रिसेशन तो आ नहीं रहा, बट जब उनकी रिसेशन की बात चल रही थी तब भी हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। तो सिंपल सा मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में भले ही वहां पैसा जा रहा हो, बट लॉन्ग टर्म में आप समझिए घूम घुमा के ये पैसा एफआईएस का जो बाहर जा रहा है वो हमारे इधर आना ही है। फेड मीटिंग कैंसिल, रेट बढ़ के कितना बढ़ेंगे, एफआईएस का भी कैंसिल। अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल दोस्तों आज 92 पे है। आप समझिए, क्रूड ऑयल इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। एक कार्टल बना हुआ है मिडिल ईस्ट का, रशिया का, जो क्रूड ऑयल के प्राइस को रेगुलेट करता है। आप समझिए, अगर डाउन द लाइन थोड़ा सा आप लंबा करें, ऑब्वियस ही बात है शॉर्ट टर्म में तो ये तकलीफ है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल का जो बिल है वो हमें रोज देना पड़ता है। इसकी वजह से बहुत सी कंपनियों को प्रॉब्लम होती है, पेंट की, केमिकल की, और बहुत सारी चीजों में क्रूड ऑयल यूज होता है। बट तो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेंगे तो आप समझिए कि हम लोग या पूरा वर्ल्ड आप समझिए क्रूड ऑयल से दूर किनारा कर रहा है अपने आप को। ठीक है, आज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टोरी जो चल रही है, या फिर जो हाइड्रोजन एनर्जी है या सोलर एनर्जी है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब अपने आप को क्रूड ऑयल से दूर कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आने वाला है ना कि क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। कंप्लीट खत्म तो शायद नहीं होगी, क्योंकि कुछ चीजें शायद क्रूड ऑयल से ही चले, बट अगर डिमांड कम हो जाती है ना तो अल्टीमेटली जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस को कभी ना कभी तो गिरना ही है। शॉर्ट टर्म में भले इनकी प्राइस ऊपर चल रही है, बट लॉन्ग टर्म में क्रूड ऑयल का मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो ये रीजन भी है लॉन्ग टर्म में कुछ खास नहीं। एंड ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारे इम्पोर्ट कम हो जाते हैं, अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो इंडियन रूपी है वो ऑब्वियस ही बात है ऊपर जाएगा। अब जब इंडियन रूपी ऊपर जाएगा तो डॉलर इंडेक्स को अल्टीमेटली तो नीचे ही जाना है। सो दीज आर द दोस्तों फोर रीजंस जो शॉर्ट टर्म में भले ही हमें तकलीफ दे रहे हो, बट मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में इन चारों रीजन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम इस मार्केट में। तो ये तो हो गई दोस्तों लॉन्ग टर्म की बात। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में अगर निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट हमारे सामने आई थी। इस बहुत बड़ी मूवमेंट के बाद एक करेक्शन होना तय था, तो मार्केट यहाँ पे आराम कर रही है। अब पॉइंट ये बनता है कि ये करेक्शन कहां तक के नीचे जा सकती है। तो अगर इसके लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर यूज करते हैं, तो इसका अगर हम पूरी चाल का अगर 62% का रिट्रेसमेंट भी देखते हैं तो वो आता है 19,600 के आसपास। इसका मतलब है इस पूरी जो चाल है उसकी करेक्शन, और यहाँ पे एक 100 EMA का पॉइंट भी आ रहा है, 50 EMA का पॉइंट भी आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो करेक्शन है ये 19,600 के आसपास मोटा मोटा खत्म होना चाहिए। अब आप देखिए कि अगर इस मार्केट को थोड़ा आप लंबे में देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी करेक्शन ट्रिगर हुई थी। इस चाल के बाद एक करेक्शन ट्रिगर हुई थी, ये जितना कंसोलिडेशन था ना, इस कंसोलिडेशन में इतनी ताकत थी कि इस निफ्टी को यहां से ऑल टाइम हाई से कई गुना ऊपर लेके जा सकता था। मतलब अगर आप इस कंसोलिडेशन का ही अगर आप टारगेट देखोगे तो ये टारगेट निफ्टी का करीब करीब 21,000 के आसपास बनता था, बट समहाउ इस लेवल के आसपास निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर नहीं जा पाई। इस करेक्शन के बाद जाना चाहिए था बट नहीं जा पाई, उसके रीजन दोस्तों हमने डिस्कस किए हुए हैं कि ऐसा क्यों है। हमारे पास तो उतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन बाहर के मार्केट में तकलीफ है। अब पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है? अब सिंपल सा बात है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जब एक परफेक्ट सिचुएशन बनी थी कि मार्केट 21,000 तक जा सकती थी बट मार्केट गई नहीं और मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है, तो इसका क्लियर मतलब ये कि अगर मार्केट यहाँ पे रुकी है तो ऑब्वियस ही बात है कुछ रीजंस के बिना पे रुकी होगी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। तो अब डायरेक्ट ऐसा मार्केट यहां से निकल जाए और अपने ऑल टाइम हाई को वापस क्रॉस कर जाए, ऐसा मुझे चांसेस थोड़ा सा कम लगता है। क्योंकि जाना होता तो सब कुछ था ना, मौका था, दस्तूर था, सब कुछ बना हुआ था, जाना होता तो यही चली जाती। अब नहीं गई है, अगर करेक्शन दी है तो इसका बहुत ज्यादा चांसेस बनता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे
उसके बाद फिर अपने ऑल टाइम हाई को निकाले। तो नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक में एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल बन सकती है। हम लोग उन्हें 19,675 के आसपास क्लोज किया हुआ है। पॉइंट्स में अगर आप डाउनसाइड देखोगे तो मुझे रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लगता, 19,600 के आसपास ये मार्केट में करेक्शन अपनी एंड होनी चाहिए। तो लेकिन टाइम अभी भी बचा हुआ है, प्राइस हो चुका है 75 पॉइंट, तो वो तो ठीक है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम अभी भी बचा हुआ है। तो नेक्स्ट वीक पॉसिबिलिटीज क्या है कि काइंड ऑफ डोजी कैंडल हमको मिले थोड़ा सा, मतलब इतनी करेक्शन के बाद मैं ऐसा चाहता हूं कि थोड़ा सा मार्केट आराम करे, और उसके बाद अगर निकलेगा तो नई स्ट्रेंथ के साथ निकलेगा। तो मुझे नहीं लगता मार्केट को भी यहां से जल्दी है जाने की, थोड़ा रुके तो बेहतर है। जो ज्यादा क्वेरीज दोस्तों मुझे अभी ऐसी आ रही है ना, वो सबसे ज्यादा क्वेरीज मुझे आ रही है स्मॉल कैप इंडेक्स में, बिकॉज ज्यादातर लोगों का पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है। अब स्मॉल कैप इंडेक्स की आप स्टोरी देखो, ये इंडेक्स दोस्तों यहां से चला हुआ है, ये देखिए ये इंडेक्स यहां से चला हुआ है, उसके बाद उसमें एक बड़ी सी कैंडल आई और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। इस कैंडल पे लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ बनाया था कि भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्शन हो रही है, आप समझिए ये जो बड़ी कैंडल है ना, ये है एक्सीडेंट, ये जो बड़ी कैंडल है वो है एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के बाद दोस्तों सीधा रिकवरी नहीं होता, एक्सीडेंट के बाद थोड़ा सा बेड रेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, बेड रेस्ट अगेन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, ये हाई पक्का निकलेगा, ये हाई पक्का निकलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट चल रही है और अचानक से एक ही कैंडल में सब खत्म, ऐसा नहीं होता बुल मार्केट में, ऐसा नहीं होता। कोई भी बुल मार्केट एक कैंडल से खत्म नहीं होती, फर्स्ट इस पे बाइंग आती ही आती, और इनफैक्ट आई भी थी, सस्टेन नहीं की, ऑब्वियस ही बात है ऐसा नहीं जा सकती। एक्सीडेंट होने के बाद रेस्ट करना तय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल निफ्टी से ज्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स को रेस्ट करने की जरूरत है। अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि उसके पहले बहुत बड़ी चाल आई थी। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है आने वाले वीक में, मे बी यहाँ पे भी अगेन थोड़ा सा एक पॉज ले, थोड़ा सा ब्रेक ले ले तो सही है, नई स्ट्रेंथ लेके जाएगा तो ज्यादा जाएगा। अगेन द सेम थिंग, सेम कैंडल, मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में तो मतलब एक दूसरे की पिक्चर बनी हुई है, कुछ भी ऐसा मसला नहीं है। अब ग्लोबल इंडाइसेस में हम देखते हैं तो डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूं तो ये वो कैंडल थी दोस्तों, ये वो कैंडल थी जो यूएस फेड के बाद बनी हुई है। हालांकि कमेंट्री इतनी खराब थी, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा कि 5.5 हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले साल तक रेट कट नहीं होंगे, तो खराब कमेंट्री थी उसकी वजह से भी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ये कितना, एक आध परसेंट की कैंडल है ये, क्यों नहीं, क्योंकि आप समझिए ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ये जो फेड का ओवरहैंग है आप देखिए, ये ऐसा नहीं कि एक दिन की कहानी है, आप यहां से देखिए, ये देखिए कंटिन्यूसली चल ही रहा है, कहां गया यूएस मार्केट, ये देखो ये जो सिस्टम है आपका, ये आप देख सकते हैं कि 2023 की शुरुआत से मार्केट तो कहीं गई नहीं है यूएस, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि यूएस में तो दिक्कत है बट हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं। देखो 2023 में ये स्टोरी है, और वहीं अगर आप इंडिया की कहानी देखोगे कि 2023 में इंडिया में क्या हुआ है, ये देखो ये 2023, ये देखो इंडिया का आप चार्ट देखो, हमारी स्टोरी देखो और यूएस की स्टोरी देखो आप, तो यूएस में तो दिक्कत है और वो दिख भी रही है। फेड की अचानक एक दिन की मीटिंग से कुछ नहीं हुआ, वो इशू तो चल ही रहा है और मार्केट इस चीज को प्राइस इन कर रही थी, बट इतना होने के बाद भी आप समझिए कि ऑलमोस्ट ये अपनी 200 ईएमए पे आ चुका है, ठीक है। तो 200 ईएमए के आसपास हो सकता है कि क्योंकि खबर आ चुकी है ना, अब पता चल चुका है सबको, अब उसमें नया क्या हो जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पे ये स्टेबल हो जाए। और अगर हम नैसडेक की भी बात करें, अगेन नैसडेक में थोड़ा सा यहां तक 12,800 के आसपास, ये 200 ईएमए के आसपास आने की जगह है, क्योंकि देखिए ना नैसडेक ने मूवमेंट दी है, अब जो मूवमेंट दिया है करेक्शन भी उसमें आएगी, डाउ जोन्स ने तो मूवमेंट दी नहीं है तो वहां पे कुछ होना जाना है नहीं। अब अगर हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स, इनफैक्ट सभी मार्केट में आप देखिए कुछ भी नहीं है, जैसे ये यूके का मार्केट है देखो फ्लैट है, सिर्फ इंडियन मार्केट चला है दोस्तों, बाकी सब मार्केट फ्लैट है, क्योंकि उनके तो सच में दिक्कत है, उनके तो ग्रोथ ही नहीं है। ये देखो ये मार्केट भी आप देखो यहां पे फ्लैट है, ठीक है। ये आपको मैंने जर्मनी का, यूके का, फ्रांस का, तीनों का मार्केट बता दिया, एंड अगर आप देखोगे सब मार्केट अपने 200 ईएमए के आसपास ही आए हुए हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि यहां से ज्यादा गिरावट मेरे को नहीं लगता कि होने वाली है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो डॉलर इंडेक्स है ये अपने 105 के पास पहुंच चुका है। तो ये देखिए एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास आया हुआ है, लास्ट टाइम इसी लेवल के आसपास है हमेशा डॉलर इंडेक्स टूट जाता है, तो एक परफेक्ट पॉइंट है अगर डॉलर इंडेक्स को यहां से गिरना है। तो अगर नहीं गिरा यहां से डॉलर इंडेक्स बढ़ा तो ये जो शॉर्ट टर्म में तकलीफ है वो अपने को बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स जैसे ही बढ़ता है दोस्तों, आपको जैसे मैंने डिस्कस किया कि इंडियन रूपी वीक हो जाएगा, ये देखिए इंडियन रूपी भी एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, ये देखिए। तो अगर वहां से डॉलर इंडेक्स बढ़ा
इंडियन रूपी वीक हो जाएगा, इंडियन रूपी वीक हो जाएगा मतलब ये वैल्यू बढ़ जाएगी, उल्टा होता है, ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एक्चुअली ना पूरा शॉर्ट टर्म का अगर गेम देखोगे ना, सब चीज एकदम बाउंड्री पे ठहरी हुई है। आपने देखा डॉलर इंडेक्स एकदम ब्रेकआउट देने को तैयार है, अगर ब्रेकआउट देगा डॉलर वीक हो जाएगा। अगर आप क्रूड ऑयल देखते हैं, ये देखिए क्रूड ऑयल आप देखिए, क्रूड ऑयल भी ये सपोर्ट, यहाँ पे क्रूड ऑयल ने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, इसके आसपास ब्रेकआउट दिया हुआ है, लेकिन एक अगेन एक रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है क्रूड ऑयल। तो अगर यहाँ पे लेवल पे रुक जाता है तो बहुत सही है हमारे लिए। ये देखिए एक यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, एक अगेन एक रेजिस्टेंस के आसपास है क्रूड ऑयल। तो अगर यहां से क्रूड ऑयल भी ब्रेकडाउन कर लेता है तो हमारे लिए पॉजिटिव है। तो आने वाले टाइम में मार्केट की क्या डायरेक्शन बन सकती है, मार्केट की डायरेक्शन ऐसी बन सकती है ना कि डॉलर क्रूड ऑयल हर एक ब्रेकआउट देने की रेंज पे है। अब अगर यहां से ये लोग ब्रेकआउट देते हैं और ग्लोबल मार्केट्स एकदम अपने सपोर्ट पे है, ठीक है, ये लोग ब्रेकआउट देने पे हैं और ग्लोबल मार्केट्स अपने सपोर्ट पे, अगर इन्होंने ब्रेकआउट दिया तो मार्केट वहां से वीक हो जाएगी। क्यों? अगर डॉलर इंडेक्स यहां से चला ऊपर, तो आपको जैसे मैंने बताया डॉलर इंडेक्स का चलना मतलब लोगों का पैसा डॉलर में आएगा, लोगों का पैसा जैसे डॉलर में आएगा स्टॉक मार्केट से पैसा निकलेगा। तो हर चीज अपने बाउंड्री पे है। अब ये करेक्शन मुझे ऐसा लगता है, जैसे हमने डिस्कस किया हुआ, अगर मैं कंक्लूजन करूं तो नेक्स्ट वीक में हर चीज कंसोलिडेट करनी चाहिए, ना डॉलर इंडेक्स ब्रेकआउट करे, ना क्रूड ऑयल ब्रेकआउट करे, ना जो यूएस की मार्केट है वो ब्रेकडाउन करे। हर नेक्स्ट वीक में हर चीज यहां से अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए तैयार है। रीजन क्या है, देखो जो एक हैंगओवर था वो तो सॉल्व हो गया ना। हैंगओवर क्या था कि यूएस क्या करेगा, वो तो पता चल गया ना यूएस क्या करेगा। यूएस ने क्लियर कर दिया कि नवंबर में हम एक रेट हाइक करेंगे और सितंबर नेक्स्ट ईयर से हम रेट कट करेंगे। ओवरहैंग तो खत्म हो गया ना, मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, ओवरहैंग तो खत्म हो गया ना, है ना। तो सीन क्या है, तो सीन ऐसा है कि अब मार्केट यहां से कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि अगर न्यूज खराब होती तो अब तक तो ये सब निकल लिए होते, क्रूड ऑयल भी निकल लिया होता, डॉलर इंडेक्स भी निकल गया होता। तो यहां से मार्केट को अपने को बहुत केयरफुली ट्रैक करना है। अगर ब्रेकआउट हो गया, डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर चलने लग गया, क्रूड ऑयल भी समझ लो 90-100 के ऊपर चलने लग गया, रूपी वीक होने लग गया, तो आप समझिए कि ये करेक्शन फिर थोड़ी सी लंबी गहरा जाएगी, दिसंबर तक चली जाएगी करेक्शन, ये साल फिर आपका इसी में चले जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो ये कोई रीजन नहीं है, दिसंबर तक चला जाएगा। और मुझे लेकिन ऐसा पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि अभी फिलहाल इस दुनिया में इतना कुछ खराब नहीं है, ठीक है, कि यार ऐसा हो जाए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक दो हफ्ता मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करे और फिर नई स्ट्रेंथ के साथ निकले। तो ये तो दोस्तों हो गया मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू, शॉर्ट टर्म का व्यू, दोनों मैंने क्लियर किया। शॉर्ट टर्म में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो फिर मैं आपके सामने आऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा सिचुएशन क्या है। लॉन्ग टर्म में कोई टेंशन नहीं है, टाइम ऐसा है कि पैसा डालने का टाइम है, ठीक है, मतलब बढ़िया टाइम है, मतलब पछताओगे अगर अभी ये टाइम पे अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया इस टाइम को। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म में तो ऑब्वियस सी बात है, अपनी कहानी है, अपने स्टॉप लॉसेस होते हैं तो वो तो आपने फॉलो करना है, बट लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जनरली कोई शेयर नहीं करता। तो आपका ड्यूटी है कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।